हेलो दोस्तों, मैं हूँ शेफ प्रतीक और आज मैं आपको बताऊंगा कि रेस्टा वाला पनीर टिक्का घर पे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो दही का पानी निकालकर 4 बड़े चम्मच दही ले लिया है, फिर डाल दिया जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और सबसे आखिर में डाल दिया है नमक। मैंने कौन से मसाले कितने लिए हैं ये सब मैंने कमेंट सेक्शन में लिखा है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें डाल दिया है प्याज, शिमला मिर्च और पनीर। फिर इन तीनों को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिलाकर रख देंगे हम इसे फ्रिज में। फ्रिज में हम इसे रख देंगे 40 से 45 मिनट के लिए। फिर जैसी 40 से 45 मिनट हो जाए मैं इसे सीक में लगा ले रहा हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे पैन पे भी फ्राई कर सकते हैं। देखो, नॉर्मली घर में तंदूर तो मिलता नहीं है, तो अगर आपके पास भी तंदूर नहीं है तो आप मेरी तरह इसे गैस पे इस तरह से पका सकते हैं। फिर पनीर को हर साइड से अच्छी तरह से पकाकर हम इसे निकाल लेंगे।